हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बटरफ्लाई स्कूल अगेन। स्टैंडर्ड 4 EVS चैप्टर 1 प्लीज बी केयरफुल, यानी प्लीज सावधानी बरतिए, केयरफुल रहिए। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया गया है, ओके? ये पिक्चर कौन सा है देखिए, ट्रक और रिक्शों का है जो उसमें कोलाइड होता है। और क्या होता है, एक वुमन है, इसका पिक्चर देख सकते हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही है ना बच्चों। तो इसी पिक्चर के हिसाब से हमको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो टेक योर पेंसिल और सी एंड राइट। ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट विल हैपन इफ टू व्हीकल्स कोलाइड। जब दो व्हीकल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट विल हैपन इफ टू व्हीकल्स कोलाइड। ओके बच्चों, पहले मैं आपको कह दूँ, जो भी आपको इसमें हार्ड वर्ड लगते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और अपने पास एक रफ कॉपी रखिए, उसमें लिखते जाइए। ओके, नाउ व्हाट हार्म मे बी कॉज्ड टू द पीपल। पीपल को क्या हार्मफुल हो सकता है इसमें, तो देखिए, पीपल मे गेट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। पीपल इंजर्ड भी होते हैं ना, ये देखिए एक वुमन को ब्लीडिंग भी हो रही है ना। ओके, व्हाट डैमेज मे बी कॉज्ड टू द थिंग। ऑल वेजिटेबल आर स्प्रेड ऑन द रोड। यहाँ पे देखिए वुमन जो वेजिटेबल्स लाई है वो क्या हो, स्प्रेड हो गए हैं। ओके, व्हाट डैमेज मे बी कॉज्ड टू द व्हीकल। व्हीकल को क्या नुकसान हो रहा है, ये देखिए, ब्रोक द मिरर ऑफ द ऑटो रिक्शो इन एक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए जो रिक्शो का मिरर है वो ब्रोक हो गया है। ओके, नाउ टर्न योर पे, ओके नाउ राइट, हाउ कुड दिस हैव हैपन। यहाँ पे पिक्चर देखिए, एक बच्ची है, वो वेजिटेबल्स कट कर रही थी और अचानक जल्दी से क्या होता है, उसका फिंगर कट हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पे देखिए, सी माइट बी इनअटेंटिव। इनअटेंटिव मानी नॉट फोकस। आप अंडरलाइन करते जाइए जो भी हार्डवर्ड आपको लिखता लगता है। ओके, सी माइट बी इनअटेंटिव वाइल कटिंग वेजिटेबल्स। वो जब वेजिटेबल्स कटिंग कर रही होगी तब उसका फोकस नहीं रहा होगा, ध्यान कहीं और चला गया होगा, है ना। सी माइट बी कटिंग वेजिटेबल्स वेरी फास्ट। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो वो वेजिटेबल्स कटिंग कर रही होगी तब जल्दी में कर रही होगी। Someone might have pushed her from backside while she was cutting vegetables. जब वो वेजिटेबल कटिंग कर रही होगी तो पीछे से किसी ने धक्का दिया होगा, इसीलिए भी ये हुआ होगा। तो ये पिक्चर का तो हमको यहाँ पे बता दिया है। ओके, नाउ जो रेस्ट ऑफ द टू पिक्चर्स है उसका हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए बच्ची क्या हो रही है, बच्ची गिर गई है, उसको धक्का लगा है। सी माइट बी इनअटेंटिव वाइल क्रॉसिंग रोड। ये रोड क्रॉस कर रही होगी तब इनअटेंटिव हो गई होगी, उसका ध्यान नहीं रहा होगा। बच्चों जब रोड क्रॉस करो तो ये सावधानी बरतनी चाहिए हमको। नाउ सी मस्ट हैव नॉट सीन द कार। उसने कार नहीं देखी होगी। यहाँ पे देखिए कार के साथ उसका, कार ने उसको धक्का दिया है। ओके, एंड सी फेल डाउन। वो नीचे गिर रही है। ओके, नाउ थ्री पिक्चर। यहाँ पे देखिए ये क्या है, उसको फ्रैक्चर हो गया है। तो कैसे हो गया होगा, ही माइट हैव फॉलन डाउन। वो नीचे गिर गया होगा। ही माइट हैव स्लिप्ड फ्रॉम साइकिल। वो शायद साइकिल से गिर गया होगा। तो बच्चों ये पेंसिल के साथ आपको लिखना है। ओके, वी नो दैट इवन माइनर मिस्टेक्स कैन हार्म अ लॉट। समटाइम्स इंड्यू हैज रिजल्ट इनटू माइनर मेजर एंड हॉरिबल एक्सीडेंट्स। वन मे गेट हर्ट और डाई इन दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट। ये हमने देखा, वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट्स, है ना बच्चों। ओके, लेकिन हम लोग जल्दी में, या मान लो कोई एक्सीडेंट भी हुआ है तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जल्दी डॉक्टर के पास जा सके। तो उसके लिए हमको, हमारे पास क्या घर में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। ओके, समटाइम्स वेन वी फील माइनर इंजरी वी टेक फर्स्ट एड एट होम। इनकेस ऑफ कॉट्स वुंड, वुंड मानी जख्म होते हैं वो, माइनर बर्न और नोज ब्लीडिंग वी टेक फर्स्ट एड एट होम। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम और हर टू द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। थ्रू दिस वी कैन सेव वन्स लाइफ ऑल्सो। नाउ थिंक एंड राइट, थ्रू गोट हार्ट ऑन द लेग वाइल प्लेइंग इन द स्कूल। नाउ वॉट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। ध्रुव को क्या हुआ है, वो स्कूल में खेलता था तो गिर गया, उसको चोट लगी है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो हम लिखेंगे, ध्रुव मस्ट बी प्रोवाइडेड मेडिकल किट इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट
clean his leg and then he must be applied a cream on his leg and it must be covered with a wrap on it. बच्चों अगर किसी हिसाब से आप मेरे साथ नहीं लिख सकते तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, फिर से प्ले कीजिए. ओके नाउ रीड. ये तो रीडिंग है फिर भी. इफ ब्लड फ्लोज आउट फ्रॉम द वुंड वी कैन प्रेस द वाउंडेड पार्ट विथ हैंड कॉटन और क्लोथ. देखिए जब भी कोई भी पार्ट पर बॉडी के हमको घाव जख्म होता है तो हम क्या करते हैं, पहले कॉटन से उसको साफ कर लेना चाहिए, है ना. इट इज़ हार्मफुल टू कवर एंड क्लीन इट विथ ईधर सैंड और रनिंग वाटर. उसको अच्छे पानी से धो भी लेना चाहिए. बैंडेज द वुंड बाय यूजिंग फर्स्ट एड बॉक्स. हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज भी होनी चाहिए जिससे हम घाव पर लगा सके. यहाँ पे देखिए आपको 3 पिक्चर दी गई है, आपको पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे राइट करना है. ओके यहाँ पे देखिए पहली पिक्चर क्या है, एक बच्चा काइट को फ्लाइंग कर रहा है और देखिए सामने से कार आ रही है. ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डोंट रन ऑन द रोड. हमको रोड पे कभी दौड़ना नहीं चाहिए. तो उसमें क्या लिखना चाहिए, पहले यूज सेफ्टी गेट्स नियर द स्कूल. सेफ्टी गेट होनी चाहिए. ओके डोंट यूज वॉकर्स. वॉकर्स को यूज नहीं करना चाहिए. एंड चेक ऑन द रोड बिफोर क्रॉसिंग. हमको चेक करना चाहिए. देखिए बच्चों जल्दी तो मुझे भी होती है, आपको भी होती है, हमको इन टाइम सब भी जगह पहुंचना होता है ना, पर इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए, है ना बच्चों. तो ऑलवेज चलने से पहले क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए. एंड वेट फॉर ग्रीन सिग्नल. हमको ग्रीन सिग्नल की देख के ही चलना चाहिए. ओके तो ट्रैफिक रूल्स को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए. ओके नाउ सेकंड पिक्चर. यहाँ देखिए एक बच्ची क्या लाइट बोर्ड को छूने गई तो वो क्या हो गया, उसको करंट लग गया है. देखिए ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डोंट टच स्विच बोर्ड विथ वेट हैंड्स. हमको गीले हाथ से कभी भी स्विच बोर्ड को छूना नहीं चाहिए. डोंट ट्राई टू ओपन स्विच बोर्ड. कभी स्विच बोर्ड को ओपन नहीं करना चाहिए. डोंट पुट फिंगर इन. उसमें कभी अपनी फिंगर को रखना नहीं चाहिए. साइड स्विच बोर्ड. स्विच बोर्ड ऑलवेज साइड में रखना चाहिए. ओके नाउ 3 पिक्चर्स. डोंट इन साइड डीप वॉटर. यहाँ पे क्या, बच्चा पानी में गिर जाता है ना, वो डूब रहा है जैसे, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, डोंट गो इन साइड डीप वॉटर. डीप वॉटर में नहीं जाना चाहिए. ऑलवेज वेयर स्विम सूट प्रॉपरली. स्विम सूट पहनना चाहिए, है ना. यूज टूल्स फॉर हेल्पिंग वाइल स्विमिंग. जब स्विमिंग कर रहे हो तो टूल्स यूज करना चाहिए बच्चों. ओके नाउ राइट. यहाँ पे बच्चों राइट करना है, राइट अबाउट एक्सीडेंट विच यू हैव सीन. आपने जो भी एक्सीडेंट देखा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. विच काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट वॉज इट. तो कार पहले लिखेंगे. आपने कार का एक्सीडेंट कहीं ना कहीं तो देखा होगा, है ना. विथ वूम एक्सीडेंट अकर्ड. किसके साथ, विथ बाइक. वॉट ट्रीटमेंट वॉज गिवन. उसको क्या ट्रीटमेंट दी गई थी. अच्छा तब जब कार बाइक के साथ टकराई थी, वॉज टेकन टू हॉस्पिटल. उसको किसके कहाँ ले जाया गया था, हॉस्पिटल. सेकंड बाइक किसके साथ, विथ कार. उसको क्या ट्रीटमेंट मिली, वॉज प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट. उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई. कार विथ ट्रक. ट्रक के साथ वॉज गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट. उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई. बाइक किसके साथ, साइकिल के साथ. उसको क्या ट्रीटमेंट दी गई, वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल. उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. ओके यहाँ पे देखिए कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो हमें लिखने हैं कि वो क्या इंडिकेट करते हैं, है ना बच्चों. तो यहाँ पे लिखिए ये ट्रैफिक सिग्नल क्या इंडिकेट करता है, टर्न राइट, यानी राइट साइड पे जाइए. सेकंड वन इज क्या है, हॉस्पिटल का सिंबल है ना. थर्ड वन इज नॉट यू टर्न. हमको यू टर्न नहीं लेना है. एंड फोर्थ वन इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, है ना, जो हमको सेफ्टी रूल्स का है, हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना है. ओके नाउ फिफ्थ वन इज राइट टर्न प्रोहिबिटेड. ओके यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर पूरा हो गया. अब मैं आपको होमवर्क में, ये देखिए हमारी वर्कबुक है. ओके वर्कबुक में मैं आपको ये हमारा फर्स्ट चैप्टर प्लीज बी केयरफुल में पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 दे रही हूँ. ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे. थैंक यू.